आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में अपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है अपने को 15 cot a = 8। ये आपको गिवन है। फाइंड साइन ए एंड सेक। हमने पहले भी बात की थी और अब भी ये की, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इसमें कोट ए है, इसमें कोट ए निकालोगे तो आप लिख सकते हो एट अपॉन 15, एट अपॉन 15। यहाँ जो भी इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ जो भी एंगल आता है वो राइट एंगल तो हो नहीं सकता, या तो ए यहाँ लिखोगे आप या ठीक है। उसके बाद कलेक्ट पढ़ा था आपने पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे हर हर बोल। कोट के आप कौन सा था पहला, आपको साइन बताया था, फिर कोस और फिर टेन, और ये टेन का इनवर्स कोट होता है। टेन होता है पी अपॉन बी, तो ये होगा बी अपॉन बी, यानी बी अपन मान ले एक्स मान ले या के मान ले आपकी मन की है, सी क्या आ गया के कोई भी यूनिट है, के से ये मानते हैं कि क्योंकि रेशियो दिया है, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इससे आपको ज्यादा नहीं। इस ए एंगल के लिए ये तो आएगा परपेंडिकुलर, ये आएगा बेस और ये आएगा हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस कितना आ गया, एक के परपेंडिकुलर आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड से आपको कौन से, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम से आप हर साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये सकते हो इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम कहेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या आप ये भी लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपको तो वो लिख ही देना है यहाँ, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। AC आपको फाइंड आउट करनी है, AB कितनी है 8 के, BC कितनी है, ये कितना स्क्वायर हो गया 64 के स्क्वायर, या गया 25 के स्क्वायर, आप इनका प्लस करेंगे 289 के स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो 70 के आ गया। तो आपका एसी कितना आ गया 70। आप इजी वे में आपसे क्या पूछ रहा है इधर निकाल लो साइन में, साइन बराबर क्या होता है पी अपॉन, ये देखो पहले वाला साइन होता है, दूसरे वाला कोस होता है, तीसरा है क्या होता है ए, पी अपॉन एच, और पी क्या है बेटा ए बी सी, और एच क्या है ए सी, और बी सी कितना है अपने पास 15 के, और ये क्या आंसर आ गया। सेकंड आपको निकालना है सेकंड, सेकंड सेक किसका उल्टा होता है इनवर्स कोस का, सेक होता है कोस का, और कोस है बी अपॉन एच, तो आप लिखोगे एच अपॉन बी, एच का नाम है एसी, और बी कितना आपका ए बी, एसी कितना है बेटा 17, और सॉरी ये ए बी एल
और एबी कितनी है 17k 8k इसकी कट जाता है। अक्सर क्या करते हैं कई मामलों से ऐसे 8b = 8p = 15 करके निकालोगे तो भी आंसर तो यही आएगा। आपने b = 8 मान लिया, p = 15 मानोगे तो भी आंसर तो सही आएगा। लेकिन बात यह कि कोई जरूरी नहीं है कि b की वैल्यू 8 ही हो, 8 16 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, इसलिए आप कोई अन्य एक वेरिएबल इसके साथ मान लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, आपको गिवन है sec थीटा = 30 नंबर। क्या बनानी है सबसे पहले राइट एंगल, तो इस बार ये ध्यान रखना है कि थीटा, देखो यहाँ तो कुछ दो एंगल की बात ही नहीं होगी, दूसरी जगह बात होगी, तो थीटा जैसे यहाँ है ठीक है ना, इस थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। देखो सेक क्या होता है ये बताओ, सेक पहला साइन फिर कॉस, कॉस कौन सा होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, इसका मतलब एच आपका कितना मान ले बेटा 13k मान ले और बी कितना मान ले 12k। अब आपका देखिए ट्रायंगल एबीसी में आप देखोगे कौन सी थ्योरम लगाओगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास बीसी का स्क्वायर, बेस है आपके पास एबी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बीसी कितना है आपके पास 13k, एबी आपको फाइंड आउट करना है और एसी कितना है सॉरी एबी कितना है 12k और एसी फाइंड आउट करना, इसका स्क्वायर 169 की स्क्वायर, ये कितना आएगा 144 और इधर ही आता हूं कि अगर 25 की स्क्वायर = एसी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या गया, तो आपकी एसी साइड है ये कितनी आ गई 5। अब आपको जो बच गए यहां तक तो कर लिया होगा आपने पहले नहीं किया था, अब आपको जो बच गए बता दूं, जो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच रहे वो निकालने हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए वो आपको फाइंड आउट करने हैं, और वो कौन कौन से बच रहे आपके पास बच गए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक है, ये पांच जो बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। साइन इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच, और पी क्या है इसमें एसी और एच क्या बेटा बीसी, 5k अपॉन 13k केसी की डेंसिटी हो गया 5/13, समझ गए। कोस बराबर क्या होगा बोलो b/d बी अपॉन एच, और बी क्या आपका ए बी और एच क्या है बी सी, ए बी कितना है 12k और ए कितना है 13, क्या होता है बेटा पी अपॉन पी क्या है ए सी, बी क्या है ए बी, ए सी कितना है 5k और ये 12k क्या है 5 अपॉन कोट होता है वो उल्टा होता है 10 का
एबी अपॉन एसी, तो ये आपका जाएगा 12 अपॉन कोसेक, किसका उल्टा होता है साइन का, एच अपॉन पी, बीसी अपॉन एसी इक्वल टू, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी एंगल ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, इसका मतलब यहां पे एंगल बी एंड एंगल ए दोनों एक्यूट एंगल है, यानी एक्यूट एंगल होते हैं जिसकी वैल्यू 90 से क्या होती है छोटी, ये तो 90 है, ये इसका मतलब ए और बी में से है, यानी यहाँ पे मैं तो ए लिख सकते हैं, मैं ही बी लिख सकते हैं, समझ गए? और आपको दिया गया है जैसे कि आप एक तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, और आपको गिवन है cos A is equal to cos B, फिर आपको शो करना है एंगल A is equal to एंगल क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, cos में कौन सा आता है B upon यहां क्या आएगा V अपॉन एच, आठ मत देना B अलग आएगा, पहले इस A एंगल के लिए देखें, इस A एंगल के लिए बात कर रहा हूं मैं, इस सेक्शन में इसके लिए P, ये H और ये B क्या होगा इसके लिए AC, और हाइपोटेंस क्या हो जाएगा, अब इस B एंगल के लिए बात कर रहे हैं, कौन से एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के सामने का पी होता है और ये क्या हो जाएगा बी, तो बी यहाँ क्या लिखोगे आप बी सी, और ये क्या आएगा एच ए बी, ए बी से बी कैंसिल हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, आप 9th क्लास पढ़ के आए हो, ट्राइंगल के रूल भी पढ़ के आए हो, आपको पता है कि एंगल है वो साइड पे डिपेंड करते हैं, यदि टू एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, यदि साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, ए बी कौन सी है सॉरी ए सी, ए सी ये है और बी सी ये है, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, यानी एंगल ए सी के सामने का एंगल होता है बी और एंगल ए, ये तो प्रूव करवा रहा आपसे, तीनों एंगल तो बराबर आएंगे, वैसे दो ही बच्चे इससे नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 7, कोण थीटा गिवन है 7/8 और अपने को निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, देखो इस क्वेश्चन के दो मेथड है, सबसे पहले अपने को साइन थीटा चाहिए, इसके लिए ये तो लिखना ही पड़ेगा, कोट में क्या होता है देखो, इस थीटा के लिए लिखती ये बी और ये कोट के लिए क्या होता है बी अपॉन बी, क्या हो जाएगा आपका 7 के पी क्या जाएगा, ये तो आ गया 7 के पी आ गया, हाइपोटेन्यूस निकाल पाइथागोरस, ये तो चाहिए आपको ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखोगे आप इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस π
perpendicular to x. हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? BC, बेस आपका AP और ये है क्या करिए? सही है सर, बिल्कुल A to Z. अरे कोट आउट टेन का ऑपोजिट ही कौन सा? यस सर, बी ए पी कितनी है? 7 के. और AC कितनी है? 8 के. 49 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर. ये आया क्या? BC इसके स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो आप ऐसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. अब अपने को वैल्यू निकाल लिए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा. इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि यहाँ साइन और कॉस चाहिए. आपने निकाला साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच. पी कितना है इसमें? 8 के और एच है. ऐसे के कैंसिल हो गया, क्या गया 8 अपॉन. और एक आपने निकाल दिया कॉस थीटा. कॉस होता है बी अपॉन बी. कितना आपका? 7 के कट गया ये 7 अपॉन. यानी आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके और वो अपन यहाँ क्या कर देंगे? पुट कर. यहाँ क्या कर देंगे? पुट कर देंगे. कितने निकाल लोगे? देखिए यहाँ वैल्यू अपन पुट करते हैं. 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 8 अपॉन 113 रूट. फिर आपने कॉस की वैल्यू पुट कर दी. बच्चे देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नीचे भी क्या आ गया ऊपर? 1 माइनस 64 अपॉन ये तो आया. ऊपर एलसीएम कितना आया? माइनस 64. देखो ये कट गया, क्या बच गया? 113 में 64 माइनस करोगे क्या बच गया? और नहीं बचता है क्या? और नहीं माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? 64. करेक्ट है क्या आंसर? आंसर अब इसका मैं दूसरा मतलब बता रहा हूँ. कर लो कि नहीं? राइट करना है. एक मेथड तो आपने कर लिया, दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ. ए प्लस बी ए माइनस बी क्या लिखोगे आप यही? ए स्क्वायर माइनस. नीचे भी ये क्या जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. आप क्या ले सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा. नीचे क्या आएगा? साइन स्क्वायर. ये थोड़ा सा आप पूरी आठ की एक्सरसाइज करने की बात कर सकते हो. ये क्या रख दिया आपने? कॉट स्क्वायर थीटा. और कॉट थीटा का मान कितना है? आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं. जैसे इसी का सेकंड पार्ट है ना, क्या पूछ रहा है वो? कोट स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो कोट थीटा का होल स्क्वायर. और कोट थीटा आपके पास 7 अपॉन 8 का स्क्वायर 49 अपॉन 64. क्वेश्चन नंबर 8 है. 3 कोट इज इक्वल टू 4 गिवन है. अब अपने को चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू
cos square a minus sin square a लिख सकते हैं। a के लिए ये साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेंस और ये बेस। यहां आप लिख सकते हो cot a is equal to आपका आएगा 4/3 और cos क्या होता है, ये तो होगा tan का उल्टा, तो आप b मान लोगे 4k, b तो क्या मान लोगे 4k और p मान लोगे 3k, क्या निकाल लोगे h हाइपोटेंस इन ट्राइंगल abc by पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे आप, हाइपोटेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेंस आपका AC का स्क्वायर, बेस आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितनी है 4K, ये आपके पास 3K, ये आ गई 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर 25K स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड 5K। तो आपकी AC कितनी आ गई, हाइपोटेंस क्या थी। अब अपन क्या निकाले, एक तो टेन ए निकाले, टेन ए क्या जाएगा पी अपॉन बी, पी कितना है 3k और बी कितना है 4k, यह है आपका 3/4। एक अपने को कोस की वैल्यू चाहिए, एक किसकी चाहिए साइन, साइन में क्या आएगा पी अपॉन एच, पी कितना है 3k, ये है 5k, ये आ गया 3/5। कोस आएगा आपका क्या आएगा बी अपॉन एच 4/5k, इनो वैल्यू आ गया आपकी 10 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 3/4, ये तो निकाली थी, इसको स्क्वायर करेंगे 1 9/16, नीचे आ गया 1 9/16, एलसीएम क्या ले लें 16 ऊपर नीचे मान लेते, तो वो आ गया 16 9, नीचे आ गया 16 9, नीचे आ गया 16 9, क्या बच गया 7। अब राइट हैंड साइड ले गए आप, राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करेंगे, क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos की वैल्यू आपने क्या निकाली थी बोलिए, cos की वैल्यू क्या थी, cos की थी 4/5 और sin की 3/5, 16/25 - 9/25 25 LHS = LHS।